हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नेहा और बहुत बहुत स्वागत है आपका एडवांस कलाम। दोस्तों, ये ओल्ड ब्लाउज का यूज़ करके हम बहुत ही खास दो चीज़ें बनाएंगे। 10x6 इंचेस का यहाँ से हमें पार्ट को कट करना है। देखिए, इस तरीके से हमें कट करना है और नीचे से हमें राउंड शेप दे देना है और इसी के नाप से हम दूसरा पार्ट करेंगे और वो स्लीव्स में से कट करेंगे। देखिए, ये स्लीव्स है, उसी से हमें दूसरा पार्ट कट करना है, उसी के नाप से। तो देखिए, यहां से जो एक्स्ट्रा है वो कट करके उसी के नाप से हम दूसरा पार्ट कट कर लेंगे। तो दो पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसी के नाप से फॉर्म और अस्तर कट किया है, सिंपल सा कपड़ा, उसे हमें स्टिच करके जोड़ लेना है। यहाँ पे हमारा स्टिच हो गया है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो हमने कट कर लिया और ऐसे सीधा कर लिया। अब हम दूसरा पार्ट रेडी करेंगे उसी तरीके से। देखिए, इसे स्टिच करके ऐसे जोड़ लेना है और फिर ऐसे सीधा कर लेना है और अब हम इसके ऊपर प्रेस स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, दोनों पार्ट में हमारे प्रेस्टिज हो गई है। अब हमें 8x5 इंच के ऐसा पार्ट लेना है, ऊपर की ओर से हमें फोल्ड करके स्टिच कर लेना है और यहाँ पे हमें ऐसे अटैच करना है, पूरे राउंड में स्टिच कर लेना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट कर लेंगे। देखिए, ये कट हो गया और पॉकेट हमारा हो गया। यहाँ पे आप अपना मोबाइल रख सकते हैं। अब हमें 6x4.5 इंच का ऐसा पार्ट लेना है, उसी तरीके से हमें फोल्ड करना है। पूरे राउंड में हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और जो दूसरा पार्ट है वहां पे हमें ऐसे रख लेना है और फिर स्टिच करना है यहाँ से लेके यहाँ तक। और यहाँ पे आप अपना कार्ड वगैरह, एटीएम कार्ड वगैरह रख सकते हैं। अब हमें ऐसी लंबी स्ट्रिप लेनी है 1.5x47 इंच की और इसे हमें फोल्ड करके एक लंबी सी डोरी बना लेनी है। तो डोरी बनकर रेडी हो गई है। अब इस तरीके से हमें अटैच कर लेनी है दोनों साइड। अब हमें जिप को लेना है और यहाँ पे अटैच करना है। 8 इंच की हमारी जिप है और जिप के अंदर हम रनर को डाल देंगे और यहाँ पे ऐसे स्टिच करके जोड़ लेना है। अब हम यहाँ पे प्रेस स्टिच कर देंगे, उसके बाद दूसरा पार्ट लेंगे और उसे हमें ऐसे स्टिच कर लेना है। अब फिर से यहाँ पे प्रेस स्टिच कर देंगे। अब हमें यहाँ पे फोल्ड करके पूरे राउंड में स्टिच कर लेना है। अब हम बैक को सीधा कर देंगे। देखिए, यहाँ पे हमारी साइड बैक रेडी हो गई, बहुत ही प्यारी सी, यूजफुल सी। अब हमारा सेकंड आइडिया है, इसमें हमें ऐसी शॉपिंग बैग लेनी है और कोई भी आप ब्लाउज पीस आपके पास पड़ा है ब्लाउज वो ले लीजिए और ऐसे रख के इसके ऊपर मार्क कर लीजिए। अब हम आर्महोल के पास मार्क करेंगे। देखिए, आपके पास जो भी अपना ब्लाउज है वो ऐसे फोल्ड करके रखना है और फिर ऐसे मार्क कर लेना है। यहाँ पे आप शॉपिंग बैग की जगह पे कोई भी बोरी भी ले सकते हैं या कपड़ा भी ले सकते हैं। तो ऐसे हमारे दो पार्ट कट हो जाएंगे। अब हमें इसी के नाप से मैंने फॉर्म और ये ब्लाउज पीस लिया है, इसे हमें जोड़ के स्टिच कर लेना है। देखिए, स्टिच हो गया है। अब हमें क्या करना है, ऐसा बॉर्डर लेना है 22x5 इंच का और हम ट्रांसपेरेंट शीट लेंगे। ये रही, देखिए, 8x5 इंच की हमें ट्रांसपेरेंट शीट लेनी है और यहाँ पे जोड़ के स्टिच कर लेना है बॉर्डर को। देखिए, यहाँ पे हमने स्टिच कर लिया है और जोड़ लिया है। अब हम इसी के नाप से जिप को लेना है 30 इंच की और स्टिच करके प्रेस स्टिच करनी है और जिप के अंदर हम रनर डाल देंगे। अब देखिए, यहाँ से हमें जो मेन पार्ट है हमारा ब्लाउज का, उसे यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच कर लेना है। इस तरीके से हमें जोड़ लेना है। देखिए, अब हमें एक और बॉर्डर लेना है यहाँ पे 18x6 इंच का और यहाँ पे ऐसे स्टिच करके जोड़ लेना है।
जोड़ने के बाद हमें देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमें स्टिच करना है और ये जो खुला पार्ट है वो हमें जोड़ लेना है इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हमने जोड़ लिया है और यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो ये पार्ट हमारा स्टिच होके रेडी हो जाएगा। अब दूसरा पार्ट हमें लेना है, ऐसे उल्टा रखना है और पूरे राउंड में हमें स्टिच कर लेना है। देखिए ये हमारा स्टिच हो गया, अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो देखिए हमारा ब्लाउज कवर रेडी हो गया। बहुत ही सिंपल से घर के पूरे सामान से आप ये आसानी से बना सकते हैं और बहुत सारे ब्लाउज इसमें रह जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।